हे गाइज, यहाँ पे मैं MIUI प्रो को फिलहाल 2 डे से यूज कर रहा हूँ और इसका मुझे कुछ काम ही नहीं रहता, इसलिए मैं कभी इसे इनेबल भी नहीं करने आता हूँ। लेकिन हर यूजर्स की अपने अपने चॉइस होती है, तो आप चाहो तो इसे इनेबल कर सकते हो। और इसकी क्या बैटरी डिटेल है, क्या फीचर्स वर्किंग है, क्या कुछ नया है, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे MIUI का जो वर्जन है लेटेस्ट वाला 9.12.12, जी हाँ, जिसे फिलहाल मैं 2 डे से यूज कर रहा हूँ। बीटा का वर्जन है, एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट मिलता है, 2019.12.5 का सिक्योरिटी पैच जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है। नीचे की ओर आते तो लीनेज माइनस का है जो कर्नेल यूज किया गया है, जो कि भाई बैटरी का काफी कमाल का प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही परफॉर्मेंस तो भाई वो भी काफी कमाल की है। बैक की ओर चलते हैं तो MIUI प्रो वाले तो सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ ही MIUI 11 के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन ये जो बिल्ड नंबर है 9.12.12, इसके अंदर सर क्या कुछ नया है, हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा दूं कि इसमें चेंज क्या आया है। अगर आप डार्क मोड यहाँ पे यूज करते हो तो पहले आपका जो डार्क मोड इनेबल करने के बाद सिक्योरिटी ऐप डार्क में चेंज नहीं होता था, तब ये भी सपोर्ट करने लग गया है। तो आप सिक्योरिटी ऐप को आप डार्क कर सकते हो सिस्टम के डार्क वाले ऑप्शन से, जो कि पहले काम नहीं करता था। साथ ही साथ अगर आप ब्राउजर की ओर आते हो तो आपका जो ब्राउजर है ना, ये है जो आपको मैनुअली इसमें करना पड़ता था डार्क मोड, लेकिन अगर आप इसे अपडेट कर देते हो ना तो ये भी सिस्टम के साथ अपडेट हो जाता है और चेंज हो जाता है डार्क में। अदरवाइज आप इसके सेटिंग्स में आकर डार्क कर पाओगे, तो मैं इसका यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने इसे अपडेट भी नहीं किया है। तो आप यूज करते हो तो आप अपडेट कर लो, या फिर इसके सेटिंग से डार्क कर सकते हो। आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट चेंजिंग पे। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट चेंज, वो है हमारा इसका कैलेंडर। कैलेंडर में पहले हमें चाइना के लैंग्वेज वगैरह भी देखने को मिलते थे, और साथ साथ जो कंट्री हम सिलेक्ट कर रखे हैं, जो रीजन सिलेक्ट कर रखे हैं, उसका हॉलीडे भी हमें शो होता था। बट अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा चाइना का लैंग्वेज थे उसे हटा दिया गया है, और जो भी आप यूज करते हो लैंग्वेज वगैरह उसी के अनुसार आपको जो हॉलीडे वगैरह है जो शो करेगा। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि इस अपडेट में इंक्लूड किया गया है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे आते हो नोटपैड के ऊपर, तो पहले आपको पता था कि नोटपैड में वॉइस टेक्स्ट करने के लिए अलग मेथड फॉलो करना पड़ता था, बट अगर आप वॉइस नोट अब इनेबल करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो बस इसके जो प्लस आइकन है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और आपका वॉइस नोट है जो एक्टिव हो जाएगा, और आप अपने वॉइस नोट को क्रिएट करके डायरेक्ट सिंपली इस तरीके से सेव कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा इजी हो गया है वॉइस नोट सेव करने के लिए, जो कि मुझे काफी ज्यादा सही लगा। वहीं पर हम इसके अनटूट के स्कोर की बात करें तो भाई अनटूट का स्कोर भी काफी अच्छा है, काफी सही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कलर है जो ब्लू कलर का काफी ज्यादा डीप है, तो बहुत सारे यूजर्स को पसंद नहीं आता है डीप कलर, जो नॉर्मल ऑफिशियल MIUI में मिलता है वैसा कलर नहीं है, हल्का सा डीप है। बट अगर आपको पसंद आता है तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको नहीं पसंद आता तो भाई आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो स्कोर मुझे काफी ज्यादा सही लगा। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें क्या की, तो गेम बूस्टर की, तो गेम बूस्टर भी आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट मिलता है। फिलहाल ओपन नहीं हो रहा, ये रहा ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको गेमिंग के टाइम में काफी अच्छा जो प्रेफरेंस मिलेगा, गेमिंग के टाइम काफी ज्यादा हेल्प होगी गेम बूस्टर से रिलेटेड, जो कि मुझे बिल्कुल ही सही लगा। बहुत सारे जैसे जो ये डिमांड करते हैं हमारा प्ले स्टोर है जो सर्टिफाइड है या नहीं, तो चलिए उसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो सेटिंग्स की ओर आते हैं, और यहाँ पे हमारा है जो डिवाइस प्रोटेक्शन है जो सर्टिफाइड है, तो आप बैंकिंग ऐप वगैरह जो यूज कर पाओगे। लेकिन ये पहले से आपको रूटेड मिलता है, तो आपको हाइड भी करना होगा अपने बैंकिंग वाले ऐप्स को, अदरवाइज नॉर्मली आप यूज नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे जीकेम वगैरह जो यूज कर सकते हो, जीकेम परफेक्ट काम करता है, पिक्सल 2 वाला यूज कर लो या फिर पिक्सल 3 का। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना कि आपको पिक्सल 3 वाला कैमरा समटाइम क्रैश करता है, जैसे आप ओपन करोगे ये ऑटो एग्जिट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद है जो सेकंड टाइम अगर इसे आप री ओपन करते हो तो परफेक्ट रूप से जो काम करने लग जाता है। तो आप देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो शुरू हो चुकी है, तो फर्स्ट टाइम क्रैश करता है बट सेकंड टाइम से ये वर्किंग हो जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, जीकेम से रिलेटेड आप इजीली जो यहाँ पे यूज कर पाओगे। यहाँ पे स्टेप काउंटर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, और बाकी जो MIUI के फीचर्स है एक्स्ट्रा वाले वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते ही मिलते हैं। एक और चीज आपको काफी कमाल की देखने को मिलती है, उसके लिए हमें आना होगा नोटिफिकेशन के ऑप्शंस पे और यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट्स पे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत कम ऐसे रोम है जिन्होंने हमें ये फीचर्स प्रोवाइड किया है पोर्ट रोम में। तो अगर आप इन तीनों ऑप्शन को इनेबल करते हो, जैसे कि नोटिफिकेशन व्यू है, रिप्लाई टू मैसेज और साथ ही अनरीड मैसेज, तो अगर आप फोन को लॉक करते हो जब भी कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे अपेयर होता है तो आप डायरेक्ट यहीं से उसे रीड कर पाओगे, रिप्लाई कर पाओगे, तो ये काफी अच्छा फीचर्स है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मेरी सिक्योरिटी वॉइड हो जाएगी, कोई भी मेरे मैसेज को रीड कर पाएगा, रिप्लाई कर पाएगा, तो आप सिंपली इसे ऑफ कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई मुझे देख लेगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो आप इन फीचर्स का यूज कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने नोटिफिकेशन वगैरह को रिप्लाई करने में, चेक करने में और रीड करने में, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा।
वहीं पे आते हैं इसके थीम स्टोर के ऊपर, तो थीम स्टोर भी फुल्ली फिक्स्ड है, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है जो देखने को नहीं मिलता है। सेकंड चीज आपको यहाँ पे एक और देखने को मिलती है, वो है हमेशा हर पोर्ट्रो में हमें प्रॉब्लम देखने को मिला था, वो हमारा है क्या, तो वाइब्रेशन वेन अनलॉकिंग। अगर हम आते हैं इसके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वाइब्रेट वेन अनलॉकिंग, तो ये परफेक्ट रूप से काम करता है। जब भी आप फिंगरप्रिंट अटैच करोगे तो आपको वाइब्रेट फील होगा, तो ये जो प्रॉब्लम चल रहा था इसे भी फिक्स्ड कर दिया गया है, कोई भी इशू देखने को मुझे नहीं मिला है। एडिशनल के अंदर फुल स्क्रीन डिस्प्ले इनेबल नहीं है, लेकिन आप मैनुअली इनेबल कर सकते हो, कैसे इनेबल करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहे इसके सपोर्टेड लैंग्वेज, अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो इनमें से तो सही है, आप यूज कर पाओगे, अगर नहीं है तो भाई मैं क्या कर सकता। आगे और चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप आते हो बैटरी प्रोफाइल में, तो यहाँ पे वही लो बैटरी नोटिफिकेशन साउंड और बैटरी नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह आपको मिल जाता है। स्क्रीन ऑन में आपको जो फुल फोकस में 1 मिनट का ट्रायल वगैरह देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी ऐप को लॉक करते हो तो बैकग्राउंड में वो आपको ब्लर दिखाई देता है। तो ये सारी चेंजिंग है जो की गई है, जो कि मुझे काफी ज्यादा सही और काफी ज्यादा कमाल का लगा है। तो ये जो अपडेट है ना, मुझे बिल्कुल ही सही और परफेक्ट लगा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कमी ये भी है कि आप यहाँ से वीडियो कॉल नहीं कर पाओगे। बेड टाइम वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसा है कैसा नहीं है, तो ये सब फीचर्स आप ऑलरेडी जानते हो। बस वीडियो कॉल की आपको प्रॉब्लम मिलती है और हार्डवेयर लाइट की प्रॉब्लम मिलती है, तो हार्डवेयर लाइट भी आपको यहाँ पे काम नहीं करता है। अगर आप आते हो सेटिंग की ओर, ट्रिपल लाइन पे क्लिक करते हो, तो कुछ इस तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि मे बी पहले भी होगा बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल, ब्लॉक लिस्ट, आइडेंटिफाई और सेटिंग्स वगैरह। तो ये थोड़ा सा यूआई मुझे नया जैसा लगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताना कि आपने पहले भी देखा है या फिर इस अपडेट में ही आपको देखने को मिला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। रही बात बैटरी बैकअप की, तो चलिए बैटरी बैकअप के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि फिलहाल 2 डेज से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और एक कमाल का रोम मैंने प्रोवाइड किया अपने टेक ऑफिस पे, तो भाई उसे जरूर वॉच कर लेना, काफी कमाल का है, अविनाश सॉफ्ट आईडी रोम का, जिसका लिंक मैं मेंटेन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये रहा मेरा यूजेज टाइमिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 85% से मैंने इसे यूज किया है, करीब करीब 15 या 10% के आसपास तक फिर से चार्जिंग पे डाला गया है, तो चार्जिंग स्पीड भी मुझे सही लगी है, कोई भी स्लो चार्जिंग का इशू नहीं आया है। वहीं पे मुझे स्क्रीन ऑन टाइमिंग मिला है 5 और 29 मिनट का, ये रहा टोटल यूज टाइमिंग। इसी तरह का ग्राफ है, फुल एक्यूरेट ग्राफ तो था नहीं, जिसकी वजह से मैं यही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बिल्कुल ही सही लगा है, और स्टैंड बाय भी मुझे करीब 5% की बैटरी रेंज देखने को मिली है, तो ओवरऑल परफेक्ट मैं कहूंगा इस रूम को, सिवाय वीडियो कॉल को छोड़कर, ठीक है। तो बाय बाय।